घरेलू सार्फीन हो जाएं तैयार, गैस बम फट गया। आज से नई कीमतों का टैरिफ नाफिस, भारी भरकम बिल आएंगे। कीमत 233 से लेकर 2198 रुपए तक बढ़ा दी गई। पहली सलबी का रेट 142, दूसरी का 354 रुपए यूनिट मुकर्रर। घरेलू सार्फीन को रवा माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। रमजान में फलों की कीमतें आसमान को छू गई, निर्ख तीन गुना बढ़ गए, शहरियों का कड़ाका निकल गया। सेब 450 रुपए किलो, केला 400 रुपए दर्जन तक फरोख्त, अमरूद 300, अनार 760 रुपए फी किलो में बेचे जाने लगे, खजूर 550 रुपए किलो तक जा पहुंचे। महकमा रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार, बिजली बिलों से पैसे भी नहीं। लेस्को ने रेलवे तंसीबात के बिजली कनेक्शन काट दिए। वर्कशॉप्स, हेडक्वार्टर्स, दफातर और मियो गार्डन में बिजली की सप्लाई मुनकते। तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मजदूर आपे से बाहर, ट्रेन यूनियन का रेलवे इंजन शेड में एहतजाजी मुजाहरा। वजीर रेलवे साद रफीक ने इमरान खान को फासिस्ट और कानून शिकन करार दे दिया। कहते हैं बहरूपिये ने आकर माहौल खराब कर दिया, तुम्हारा नवाज शरीफ तो क्या मुकाबला, वो लीडर तुम गिदड़ हो। चोरी का डंडोरा पीटकर गलत सजा दी गई। इमरान खान को किसी सूरत राह फरार नहीं देंगे, जितनी भी तलखी हो रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। रमजान में अवाम को ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी, 3000 आटे की मजीद खेप मंगवाई गई। इंतजामिया आटा पॉइंट्स पर नज्म व जब्त कायम रखने के लिए मुतहरिक, आटा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की लाइनें लगवा दी गई, आटा तकसीम के मकामात मुतय्यन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मॉडल बाजार ठोकर न्याज बेग का दौरा, शिनाख्ती कार्ड की खुद तस्दीक करवाई, आटे के थैला का वजन भी चेक किया। वज़ीर आला ने मर्दों ख़वातीन से आटे बारे दरियाफ्त किया, शिकायत के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। कहा 29 मार्च से एक थैला हासिल करने वाले खानदान को बैक वक्त 20 किलो आटा दिया जाएगा। रूडा का फ्लैगशिप रिहायशी मंसूबा चहार बाग तरक्की की राहजन, मंसूबा मुकर्रा वक्त से जल्द ही पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मंसूबे को आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीईओ रूडा के मुताबिक रमा साल दिसंबर खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा। मेन बुलेवार्ड 200 फीट, दीगर सड़कें 60 फीट होंगी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निगरान वज़ीरे आला मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन का मोहसिन नकवी की बतौर तकर्री का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा इलेक्शन कमीशन ने आयन और कानून के तहत तकर्री की, शेख रशीद और दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी, पैमरा के दायरे इख्तियार से मुतालिक समाअत, नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के हुक्म में आज तक तोसी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा मुतासरा फरीक को कहीं भी अपील दायर करने का इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान की सिक्योरिटी, वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त खारिज। उस्मान गुलजार के एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए समाप्त, एंटी करप्शन को मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने के लिए कल तक मोहलत, तादीबी कार्रवाई ना करने के हुक्म में कल तक तोसी। अदालत ने आईजी से भी उस्मान गुलजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जलाओ घेराओ और पुलिस पर तशद्दुद का मामला, इमरान खान के भांजे हसन नियाजी अदालत पेश, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद। गिरफ्तारी के खिलाफ अदालतों में वकला की जुजवी हड़ताल। पंजाब पुलिस का थानों की तामीर पर खसूसी फोकस, आइंदा माली साल के लिए 45 थानों की तामीर के लिए फंड्स मांग लिए। लाहौर की दो समेत 45 थानों को असर नो की समरी भिजवाई गई। लाहौर की नो समेत 111 स्कीमें फाइनल करके हुकूमत को भिजवाई गई।
मातहत अदालतों में चालान पेश ना करना बड़ा मसला बन गया। चालानों की वसूली के लिए इतवार के रोज भी प्रोसिक्यूशन ऑफिस खुला रहा। 1,00,000 चालानों में से 4,200 चालान इतवार के रोज वसूल किए गए। 84 थानों के पास 1,00,000 से जायद चालान जेरे इल्तवा है। दूल्हा के कपड़े वक्त पर ना देने का मामला, मुस्लिम टाउन के दूल्हा हाउस के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। वादत कॉलोनी के सलमान ने 1,00,000 हर्जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत का मालिक 1 अप्रैल को तलब। मेन बुलेवार्ड सेंटर पॉइंट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा। एलडीए का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर काम तेज करने का फैसला। मंसूबे की क्लियरेंस के लिए PPDWP का इजलास आज होगा। मंसूबे की हतमी मंजूरी ली जाएगी। कैबलरी ग्राउंड खालिद बट चौक पर अंडरपास की तजवीज। हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें तलब कर ली। 98 यूनिवर्सिटीज और मलहिका सरकारी कॉलेजेस के तुलबा दरखास्त देने के अहल। तालिब इल्म बराह रास्त हायर एजुकेशन कमीशन को दरखास्त नहीं दे सकते। स्कूलों में बच्चों को बिठाने के लिए फर्नीचर कम पड़ गया। 10% से ज्यादा दाखिलों का हदफ देने के बाद फर्नीचर की किल्लत। लाहौर में 74,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ किया गया। दाखिलों का हदफ पूरा करने वाले स्कूलों को फर्नीचर फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर सनत से ऑल पाकिस्तान ओल्फिन एनर्जी एंड रिसाइकलिंग के वक्त की मुलाकात। रिसाइकलिंग की सनत को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद चौहान समेत दीगर भी मौजूद थे। ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज। लाहौर चैम्बर में मुजाहरीन की महकमा माहौलियात के खिलाफ नारेबाजी। कहा स्मोक सूरत हाल में स्टील मिल्स का हाथ नहीं। एहतजाज महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। और माह सियाम में आवाम के लिए डबल डेकर बस इंतजामिया की बड़ी ऑफर। तफरीह के साथ इफ्तारी भी इंजॉय करने का शानदार मौका। रोजाना 4 घंटे वाला टूर अब 5 घंटे में ऑपरेशनल किया जाएगा। 1 घंटा लाहौर फोर्ट, 1 घंटा बादशाही मस्जिद में इंजॉय किया जाएगा। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी, पैमरा के दायरे इख्तियार से मुतालिक समाअत। नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के हुक्म में आज तक तोसी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा मुतासरा फरीक को कहीं भी अपील दायर करने का इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान की सिक्योरिटी वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त खारिज। उस्मान बुजार के एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए समाप्त। एंटी करप्शन को मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने के लिए कल तक मोहलत। तादीबी कार्रवाई ना करने के हुक्म में कल तक तोसी। अदालत ने आईजी से भी उस्मान गुलजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जलाओ घेराओ और पुलिस पर तशद्दुद का मामला, इमरान खान के भांजे हसन नियाजी अदालत पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद। गिरफ्तारी के खिलाफ अदालतों में वकला की जुजवी हड़ताल।